गाइस, माय नेम इज कात्यायनी चौधरी एंड टुडे आई एम हियर विद अनदर वीडियो। तो जो आज की वीडियो होने वाली है ना, ये न्यूड लिपस्टिक्स पे होने वाली है। मतलब मेरे पास बहुत ही सारे न्यूड लिपस्टिक के शेड हैं, मतलब इतने सारे, और अभी नीचे थोड़े गिर भी गए हैं, तो ये सारे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। और मैं अभी एक नॉन न्यूड लिपस्टिक की वीडियो शूट कर ही रही थी, तो मैंने सोचा हाथ में तो सब लगा ही हुआ है, अब हटाना है, तो चलो ये वाली भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हटाते हैं। तो बहुत सारे न्यू लिपस्टिक हैं, बस ये है कि मुझे सबकी प्राइस नहीं याद है। मैं प्राइस कहीं मेंशन कर दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो वो ले सकते हैं। और साथ में मैं स्किन शेड भी मेंशन कर दूंगी कि वो कौन से स्किन टोन के साथ जाएगा, कौन से के साथ नहीं जाएगा। कुछ हैं जो सारे टोन्स के साथ अच्छे लगेंगे, कुछ हैं जो सबके साथ नहीं अच्छे लगेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूड हैं। तो इस वजह से तो पहले मैं लिक्विड लिपस्टिक्स का दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे चार लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम प्लम, एक है वेट एंड वाइल्ड की, एक एन वाई बे की है एंड एक मेबलिन की है। तो सबसे पहले आई गो विद द मेबलिन वन। मेबलिन वन का शेड टेक्सचर वगैरह तो सब बहुत अच्छा है, ड्राइंग नहीं है बहुत ज़्यादा और स्मच नहीं होती है। बट एक चीज़ के साथ दिक्कत ये है ना कि आप पहला इसे रीअप्लाई नहीं कर सकते हो, और इसको रीअप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब आप उस लिप्स पे लगाते हो ना, और आप बोलते हो या कुछ खाते हो या पानी ही पीते हो, तो उसके फ्लेक्स निकल के जो है, चाहे तो अंदर ही चले जाएंगे, चाहे ग्लास पे लग जाएंगे, या जब आप बोल रहे हो तो ऊपर नीचे चिपक जाते हैं, तो वो मतलब एक बहुत रफ सी फिनिश दे देता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक ये प्रॉब्लम है मेरे मुझे इसके साथ। और मैंने ये काफ़ी पहले लिया था, तो हो सकता है अभी फॉर्मूला इम्प्रूव किया हो उन्होंने, बट इस वाले में तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है। बाकी शेड तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है। मैंने ये इसको अपनी फ्रेंड को लगाए हुए देखा था, तो मैंने उससे पूछा ये कौन सा शेड है, तो शी टोल्ड मेबलिन का है, अमेजोनियन लिप कलर है इन द शेड 70 अमेजोनियन। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा, मैंने कहा हाँ यार ये तो चाहिए। तो मैंने एक महीने से लिए वेट किया था, लाइक ये आउट ऑफ स्टॉक हो चल रहा था, तो एक महीने वेट किया था फिर ये मिला था मुझे। सो या दिस इज़ वन। देन सेकेंड वन कम्स इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ये एक बहुत ही प्यारा सा न्यूड शेड है, मतलब ये पिंकिश न्यूड है। और जब मैं इसको अपने लिप्स पे, मतलब ये एक तो ड्राइंग नहीं है बिल्कुल भी, आप लिप बाम लगा के लगाओ चाहे ऐसे ही लगा लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है इसका टेक्स्चर। और जब मैं ये अपने लिप्स पे लगाती हूँ ना, ये मेरे लिए तो एकदम ही न्यूड है, क्योंकि मेरे लिप्स के कलर का ही है। तो वेन आई अप्लाई दिस, देन आई फील लाइक कि मेरे ही लिप्स हैं, बट बेटर वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, जैसे एक ग्लॉस का वो नहीं होता है पिगमेंट, उतनी ही पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज द शेड, थोड़ा पिंकिश टोन में है, पिंकिश रेड कह लो आप इसे, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है। देन द शेड इज फ्रॉम, एक मिनट में इसका नाम मैंने बताया, हाँ दिस इज़ शेड गिव मी मोका, मैंने इसका शेड का नाम नहीं बताया था। सो दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड गिव मी मोका। ये बहुत ही प्यारा शेड है, न्यूड शेड है। एंड देन द थर्ड लिपस्टिक आई हैव इज़ फ्रॉम एन वाई बे, और इसका शेड है स्नगल सीक्रेट 15। ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। ओ मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया, ये टूट गया है यार। लुक दिस इज द शेड, ये थोड़ा ब्राउन टोन में आता है और ये इतना प्यारा है। आई थिंक ये सारे ही स्किन टोन्स पे जाएगा, ये ऐसी कोई भी स्किन नहीं है जिसपे ये शेड फ्लैटरिंग ना लगे, दिस गोइंग टू फ्लैटर ऑल द स्किन टोन्स। तो ये बहुत प्यारा है। एंड देन द नेक्स्ट शेड आई हैव इज फ्रॉम प्लम। प्लम का ये कौन सा शेड है, कोका मोका। ये जो प्लम का शेड है दिस इज़ कोका मोका, और ये भी यार इतना प्यारा है ना। मतलब न्यूड शेड की तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ, तो हर एक शेड मुझे प्यारा ही लगेगा। मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकती कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कौन सा नहीं। तो दिस इज़ अ शेड, अभी ये जो मैंने पकड़ रखा है, फ्रॉम प्लम कोका मोका। एक ये रेडिश ब्राउन टोन है इसका, मतलब अंडर टोन वैसे लिपस्टिक ब्राउन है, बट अंडर टोन अगर आप देखो तो रेडिश वो आता है। ठीक है,
अब हमारे पास जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मेरे पास कुछ लिप क्रेयॉन्स भी थे, बट लिप क्रेयॉन्स की मैंने एक वीडियो अलग से डाल रखी है, तीन ब्रांड से, ग्लैम 21, फेसेस कैनेडा और मार्स। तो वो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, अगर आपको न्यू लिप क्रेयॉन्स भी देखने होंगे तो आप उसमें से चेक कर सकते हो। जो नेक्स्ट शेड है मेरे पास ना, ये काफ़ी सस्ता, वो जो L18 की 100 लिप्स वाली लिपस्टिक नहीं होती थी वो वाला है, ठीक है। ये B41 है, कोको बाइट। ये इसका टेक्सचर मुझे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, ये ड्राई नहीं करता लिप्स को। आप लिप बाम लगाओ या ना लगाओ, आप एक बार इसको रीअप्लाई कर लो। और मुझे बुलेट लिपस्टिक्स इसलिए भी ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि इनको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से अपना कर लो। और अगर लिक्विड लिपस्टिक है तो पहले उसे हटाओ और लिप बाम लगाओ फिर लगाओ, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डेली वेयर में आई प्रिफर बुलेट लिपस्टिक्स। देन द नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव इज फ्रॉम शुगर इन द शेड 31 शिमर ब्राउन। ये भी एक पाउडर मैट लिपस्टिक है, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है, बहुत ज़्यादा। ये एक ब्रेक रेड कलर है, देखो ये कलर है इसका, ब्रेक रेड पाउडर मैट है, पर इसका टेक्सचर इतना ड्राइंग है ना, आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है ये। और साथ में ये स्मच प्रूफ भी नहीं है, आप मतलब जैसे लगाया आपने और आप बोल रहे हो तो आपकी जो इनर लाइन होती है ना, तो एकदम एक डिफाइन लाइन आ जाती है कि मतलब हाँ बोल रहे हो तो इतनी दूर पे लिपस्टिक लगाया और उधर नहीं लगाए, एकदम एक लाइन डिवाइड हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती, वो नेचुरल भी नहीं लगता है। तो इस वजह से मुझे ये थोड़ी सी कम पसंद है, क्योंकि आप जैसे ही बोल रहे हो ये तुरंत हट जाती है, तो एक ये प्रॉब्लम है इसके साथ। बट हाँ कलर अच्छा है, कलर आप देख सकते हो, कलर बहुत प्यारा है। देन आई हैव द लिपस्टिक इज फ्रॉम बेलोरा पैरिस, इसका जो शेड है ये 013 अर्थली सदन है। ये थोड़ा कौन सा टोन बताऊं, ये देखो ये कलर है इसका, ये सारे ही स्किन टोन्स पे जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है डस्की पे नहीं जाएगा या फेयर स्किन टोन्स पे, ये मतलब सारे ही टोन्स पे बहुत प्यारा लगने वाला है। और एक जो प्लम वाला था ना, प्लम का कोका मोका था, हाँ कोका मोका, प्लम का जो कोका मोका था ना, वो आई फील मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो फेयर स्किन टोन्स है ना उनके लिए न्यूड शेड नहीं, वो थोड़ा डार्क ब्राउन शेड होगा। बट हाँ जो मतलब मीडियम टू डस्की या डार्कर स्किन टोन्स वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा न्यूड होने वाला है। देन द नेक्स्ट शेड आई हैव इज फ्रॉम मेबलिन, ये बहुत ही फेमस शेड है, यू कैन गेस आई थिंक दिस इज 657 न्यू नोसेंस। ये मैंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना था, बहुत मतलब ज़्यादा सुना था, और जो भी सुना था ना वो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मतलब दिस शेड वॉज वर्थ द हाइप। थोड़ा ये मॉवी पिंक शेड में है, इसको मैं थोड़ा सा अलग भी लगा के दिखाती हूँ, ये दो शेड्स मिक्स हो गए हैं आपस में, ये देखो दिस इज द शेड। और ये बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा शेड आता है, आप डेली वेयर में अगर आप मतलब वैसे हो ना कि लिप बाम्स ज़्यादा नहीं लगाते हो, लिपस्टिक लगाना प्रेफर करते हो, तो यू कैन गो विद, मतलब ये डेली वेयर के लिए भी बहुत प्यारा शेड है। देन द नेक्स्ट आई हैव इज फ्रॉम मसाबा नींबू पानी, इसका टेक्सचर वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये पिंक न्यूड लिपस्टिक है। मतलब अभी तक जो मैंने आपको सारे दिखाए थे ना वो ब्राउन उसमें थे, बट सी दिस इज वन पिंक न्यूड आई हैव। इसका जो शेड है ये है नींबू पानी, और इसका मतलब क्रीमी टेक्सचर है, ड्राई नहीं करता लिप्स को, और मतलब मॉइस्चराइज भी करता है, हाइड्रेट करता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है आप अगर इसको लगा रहे हो तो लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है, बट लगाओ तो मतलब लगाना इज़ प्रेफरेबल, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक शेड है। देन द नेक्स्ट शेड आई हैव इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा इन द शेड प्लम पीच, और ये एक पिंक न्यूड है, मतलब ये मैट तो नहीं होगा, ये शेड है इसका, ये है फेसेस कनाडा का
प्लम पीच, ये मैट शेड नहीं है, मतलब ग्लॉसी शेड ही है, पर हाँ अगर आप न्यूड पे मतलब डेली यूज पे लगाना है तो अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है और ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा लिप्स को. देन द नेक्स्ट शेड आई हैव इज अगेन फ्रॉम फेसेस कैनेडा, दिस इज प्रेटी सेपिया या सीपिया, मतलब आई के नॉट प्रोनाउंस सो आई स्पेल इट, इट इज प्रेटी SEPIA, सेपिया या सीपिया वॉट एवर. तो ये वाला जो शेड है ये भी मतलब थोड़ा ब्राउन उसमें है, दिस इज द शेड. ये दोनों फेसेस कैनेडा के हैं, ये मतलब ये वाला तो जो शेड है जो ब्राउन उसमें है ये मैट है, बट द पिंक वन पीची प्लम इज नॉट मैट शेड, ये जो है मतलब ग्लॉसी शेड है. ठीक है, नाउ द नॉट लास्ट, दिस द थर्ड लास्ट शेड आई हैव इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम मेबेलिन, दिस इज रॉ कोको. ये इतना प्यारा शेड है ना कि मैंने इसको ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर दिया, ये देखो इतना ही बचा है इतना, और साथ में ये टूट भी गया है आई थिंक, या टूट भी गया है, तो इसको बहुत केयरफुली मैं यूज़ करती हूँ. ये एक कॉफ़ी शेड है, प्यारा सा कॉफ़ी शेड है, कॉफ़ी के लिए ये जो डार्क चॉकलेट शेड नहीं होता है, मतलब डार्क चॉकलेट तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो शेड होता है, बट थोड़ा एक म्यूटेड डार्क चॉकलेट का जो शेड होता है ये वो है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है लिप्स पे, बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग लगता है. एंड द लास्ट लिप शेड आई हैव इज़ फ्रॉम लैक्मे 925, दिस इज़ प्राइमर मैट लिपस्टिक, प्राइमर प्लस मैट. इसका भी टेक्स्चर ड्राइंग नहीं है, बट इस शेड के साथ मुझे प्रॉब्लम ये है ना कि ये ज़रूरत से ज़्यादा न्यूड है यार, मतलब ये मेरे स्किन टोन के साथ एकदम मैच हो जाता है, मेरा जो स्किन टोन है और ये लिप्स, तो मुझे लगता है जैसे लिप्स को है ही नहीं है, मैंने कंसील वंसील कर दिया है क्या लिप्स को, ये वैसा हो जाता है. लुक दिस इज़ अ शेड, देख रहे हैं आप कितना हल्का कितना लाइट न्यूड है, और जब मैंने मतलब इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना तो मैंने देखा तो ये एक थोड़ा सा डार्क कॉफ़ी कलर आ रहा था, तो मुझे डार्क कॉफ़ी कलर का ही शेड चाहिए था, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया. अरे हाँ, मैंने शेड का नाम नहीं बताया, दिस इज़ MB1 कॉफ़ी कमांड, कॉफ़ी कमांड. तो मैंने ऑर्डर कर लिया और जब ये आया तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड विद द शेड, मैंने कहा यार ये तो मैं कहीं लगाऊंगी भी नहीं, मेरा पैसा वेस्ट हो गया है. बट देन मैंने कुछ जैसे डार्क लिपस्टिक्स खरीदी थी ना उस वक्त, तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा मेरे पास अच्छा लगेगा कौन सा नहीं, तो जब मैंने खरीदा तो मतलब लगाया तो फिर मैं उसके ऊपर से ये लगाती थी ना तो बहुत अच्छा सा न्यूड शेड आ जाता था, तो मैं उसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि जैसे मैंने कोई लिपस्टिक लगाई और वो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है तो उसको जो है थोड़ा म्यूट करने के लिए, म्यूट डाउन करने के लिए मैं ये वाला शेड यूज़ कर, लाइक देखो ये वाली लिपस्टिक है ना ये काफ़ी डार्क है. ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं ये वाली लगा लेती हूँ, लेकिन ड्रैग नहीं करती थी, डैब डैब ही करती हूँ, ये देखो यहाँ पे डैब किया है और ये कितना प्यारा सा एक अच्छा सा न्यूड शेड आ रहा है, मतलब न्यूड तो नहीं कहेंगे बट हाँ फिर भी ये लाइट हो गया, जितना डार्क था पहले उतना डार्क नहीं रहा, तो मैं इस वाली लिपस्टिक को वैसे ही यूज़ करती हूँ. कुछ जो लाइट टोन्स वाले होंगे, मतलब मेरे से डार्कर और मेरे टोन के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा है कि मतलब अगर आप खाली यूज़ करना चाह रहे हो तो दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइज, बट हाँ अगर मेरे से लाइटर स्किन टोन्स वाले हैं, जो फेयर स्किन टोन्स वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा शेड है, अगर मतलब यू कैन गो विद, जैसे आप टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हो ना कि आप लिपस्टिक लगा रहे हो, मतलब जो एक्ट्रेसेस वगैरह लिपस्टिक लगाती हैं एकदम ही मतलब स्किन कलर एंड लिप्स का कलर एकदम लाइक एकदम ही म्यूटेड पिंक या एकदम म्यूटेड स्किन कलर या ब्राउन कलर, तो ये वैसा वाला कलर है, आप उससे अगर वैसा आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं पसंद है तो आई वोंट रिकमेंड. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस लिपस्टिक फ्रॉम सीडी, शर्लॉट टिलबरी. यार ये 3,500 की लिपस्टिक है, 3,500 की लिपस्टिक, एंड मैं इसके पीछे इतनी पागल हो गई थी, मैंने कहा नहीं यार ये लिपस्टिक तो मेरे को चाहिए और मैंने ये ऑर्डर किया. मुझे इसका प्राइस इसलिए पता है क्योंकि ये सबसे महंगी लिपस्टिक है.
खैर कलर तो मतलब दिस इज़ नॉट वर्थ द हाइप आई वुड से इतना जो, बस हाँ ये है कि इसका टेक्सचर अच्छा है, मैट फिनिश है, ड्राई नहीं करता है. अगर ये कहो कि स्मच प्रूफ है या ट्रांसफर प्रूफ है तो नो, दिस इज नॉट सो. स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ नहीं है. जैसे बाकी सारी लिपस्टिक होती हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती जाती हैं, वैसा सेम वही है. बस ये है कि दिस इज़ वर्थ ₹3,500. तो या हाँ, सो दिस इज़ फ्रॉम शार्लोट टिलबरी इन द शेड पिलो टॉक मीडियम. इसके दो शेड्स होते हैं, पिलो टॉक आई थिंक एक बहुत म्यूटेड सा पिंक शेड है, जबकि ये थोड़ा म्यूटेड ब्राउन शेड है. आप देख सकते हो ये कलर, मतलब प्यारा शेड है, जब लगाती हूँ तो बहुत प्यारा लगता है. मैंने अपनी एक वीडियो में लगा रखा था, तो अगर आपको देखना होगा कि वो कैसा, लाइक हाउ इट लुक्स, तो मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी. आप देख सकते हो उसमें कि वो कैसा लग रहा है ये शेड. या दिस इज इट, मेरे पास इतनी ब्राउन लिपस्टिक थी. अगर आपको क्रेयॉन भी देखना होगा तो लिप क्रेयॉन, तो उसकी मैं वीडियो मेंशन मतलब लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो कि कौन कौन से क्रेयॉन्स हैं अच्छे. तो ये इतने न्यू शेड्स थे और ये इतने नॉन न्यू शेड्स थे. तो इसकी वीडियो तो खैर अलग है, इसकी एक है. और बाकी जो मेरे फेवरेट न्यू शेड्स हैं, फेवरेट में मेरे पास याद नहीं है ना. आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल दीज शेड्स, इट विल बी पार्शियलिटी विद देम, सो आई वोंट. हाँ, अगर आपको इसमें से कोई भी शेड चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो और ले भी सकते हो अगर आपको पसंद आए कोई भी शेड तो. बाकी अगर आपको ये चाहिए कि मतलब जैसे अभी तो मैंने सिर्फ हाथ पे लगा के दिखाया, अगर आपको ये चाहिए कि मैं लिप्स पे भी ट्राई करूँ और मतलब उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. फिर मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं लिप्स पे भी ट्राई करूँगी, सारे शेड्स में ट्राई करके दिखा दूंगी, या तो शॉर्ट्स में एक दो तीन चार शेड्स ट्राई कर करके दिखाती रहूँगी, तो दैट विल बी मोर ईजी. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.